आज कोई मिल नहीं रहा है, देखो कोई आ रहा है, देखते हैं ये कौन है। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको जल्दी रुको। अरे रुक जाओ, इस जंगल में कोई भी आता है वो दोबारा अपने घर वापस नहीं जाता है। अरे यार तू क्या बताती है, तेरे जैसी बहुत सारी चुड़ैल को तो मैंने पॉकेट में रखा है। चल ज्यादा ज्यादा भाषण मत देना, तो यहाँ से इतना लात मारूंगा ना कि तेरे जैसे चुड़ैल को घर भेज दूंगा। भाग यहाँ से। आज हम एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाले हैं जिस ऐप के माध्यम से आप जितने भी कार्टून कैरेक्टर होते हैं वो सभी कार्टून कैरेक्टर आप बना सकते हैं, बैकग्राउंड ले सकते हैं, अपनी आवाज दे सकते हैं, जिससे आपको लाइफ में कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक आने की संभावना न रहे। और ये सभी काम आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैपटॉप डेस्कटॉप की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है लगभग यहाँ पे जितने भी हमारे वीडियो और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है उन सभी का जो वीडियो बनाते हैं वो सभी अपने वीडियो मोबाइल से ही बनाते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप सभी के पास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक मोबाइल से अगर आप इतने वीडियो बनाना चाहते हैं, जितने भी कैरेक्टर आप चाहते हैं वो सभी कैरेक्टर आप यहाँ पे ले सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि अगर आप स्टोरी यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि आप खुद से बोल के स्टोरी लगाते हैं, तो ये स्टोरी आप कहाँ से लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं, तो एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्टून वीडियो को बनाने के लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ती है और ये सभी काम हम मोबाइल से ही करने वाले हैं। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और प्ले स्टोर में ये दोनों ऐप जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो पहला ऐप होता है उसका नाम है इमेज सर्च मैन, जहां से हम बैकग्राउंड जितने भी बैकग्राउंड होते हैं वो सभी बैकग्राउंड कार्टून के हम यहीं से लेते हैं, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जितने भी बैकग्राउंड आपको लेना चाहते हैं वो सभी बैकग्राउंड आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है नेचर, NATURE, ठीक है। यहाँ पे नेचर लिखना है और यहाँ पे कार्टून लिख देना है, सिर्फ इतना ही सर्च करना है और यहाँ पे आपको सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे सही वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बैकग्राउंड आपको लगेंगे कि ये बैकग्राउंड हमारे वीडियो के लिए सही है, जो आप मतलब वीडियो बनाते हैं और उसके कहानी के हिसाब से और उसके स्टोरी के हिसाब से अगर आपको ये सही लगता है तो इसको डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे बैकग्राउंड आपको मिल जाती है, ये सभी बैकग्राउंड को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो बैकग्राउंड आपको लगता है कि ये हमारे वीडियो के काम के लिए है वो बैकग्राउंड आप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको नेचुरल बैकग्राउंड ही नहीं मिलता है, और भी बैकग्राउंड मिलता है, लेकिन हम जिस कहानी को बताए हैं उस कहानी के हिसाब से यही बैकग्राउंड सही होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको होम बैकग्राउंड चाहिए, जैसे कि HOME, ठीक है, होम कार्टून बैकग्राउंड, CARTOON, कार्टून बैकग्राउंड BACK, ठीक है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे आपको इतना सर्च करना है होम कार्टून बैकग्राउंड, तो बहुत सारे कार्टून की बैकग्राउंड होम वाली मिल जाएगी, जैसे कि ये कार्टून बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये वाली देख सकते हैं। इस सभी में आपको कुछ भी लिखा हुआ जिसमें नहीं है वही आपको डाउनलोड करना है, कभी भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है, ठीक है। तो ये सभी बैकग्राउंड को आपको डाउनलोड अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए ये सब तो आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो तो बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, लेकिन अब आपको करना क्या है, जैसे कि आप तो ये बैकग्राउंड सब डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आज हम जिस ऐप के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है क्रोमा टून, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रोमा टून भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे हमारा क्रोमा टून जो है ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पे लिस्ट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी बैकग्राउंड को यूज नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ कैरेक्टर को ही यूज करना है। जैसे कि सभी कैरेक्टर तो बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे एक चुड़ैल की कैरेक्टर लेना है और एक यहाँ पे कोई मैन की कैरेक्टर लेना है, मतलब कोई आदमी की कैरेक्टर लेना है जो मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो बच्चे की ले सकते हैं, यहाँ पे आप चुड़ैल की ले सकते हैं, पुलिस वाले की ले सकते हैं, जितने भी कैरेक्टर, यहाँ पे चार कैरेक्टर आपका पहले से रहेगा, आप चाहते हैं तो चारों कैरेक्टर से वीडियो बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ एक या दो कैरेक्टर भी रख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैरेक्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर वाला ऑप्शन मिलेगा। चार कैरेक्टर है तो Character 1, Character 2, Character 3, Character 4, ठीक है, सभी में कैरेक्टर का नाम आपको लिखा रहेगा। जैसे कि कैरेक्टर 1 में आपको यहाँ पे पुलिस वाला दिख रहा है, कैरेक्टर 2 में एक लेडी दिख रही है, कैरेक्टर 3 में एक बॉय दिख रहा है, और कैरेक्टर 4 में आपको यहाँ पे चुड़ैल दिख रही है। तो यहाँ पे हमें चाहते हैं कि नहीं कैरेक्टर हम दो ही रखें, तो यहाँ पे आप नन पे क्लिक करेंगे, एक कैरेक्टर आपका हट गया जो आपके सामने दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर चाहते हैं कि चाहिए बच्चा वाला रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो कैरेक्टर है लड़की की वो कैरेक्टर हम हटा देते हैं,
उसके बाद क्या करते हैं कि बच्चा वाला जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई आदमी वाला कैरेक्टर लगा देते हैं। यहाँ पे मैन देख सकते हैं, ये वाला कैरेक्टर है और इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैंने यही से बनाया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये मूव वाला जो ऑप्शन है इससे आप जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस वाला एक ऑप्शन है, जैसे कि ये तो उधर देख रहा है उस साइड में, तो इसे इस साइड में दिखवाना है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ये वाला फ्लिप है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सही का निशान आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो इसका फेस है ये इस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ये इस साइड में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि ये जो मतलब यहाँ पे दिख रहा है चुड़ैल, इसका अगर कैरेक्टर में कुछ आप और भी जानना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि नहीं ये अपने हाथ में कोई छड़ी लेके रखे, ये अपने हाथ में कुछ लेके रखे, तो भी आप इसको रखवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे नन क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे आप 400 AK-47 जैसे कि गन है तो गन आप दिला सकते हैं, यहाँ पे नाइफ मतलब चाकू ये लेके रख सकती है। ठीक है, कैरेक्टर 4 है ना इसका, तो यहाँ पे आप चाकू इसको दिला सकते हैं, जैसे देखिए ये चाकू अपने हाथ में रखी हुई है। अगर आप चाहते हैं इसको हाथ को ऊपर करना तो अपने इसको हाथ को भी ऊपर आप करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पंचिंग वाले पे क्लिक करे हैं तो यहाँ पे एग्री वाले पे क्लिक करेंगे, देखिए ये इसको बोल रही है कि अब आज तुम्हें मैं काट दूंगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बैकग्राउंड जो लगाना है वो बैकग्राउंड आप कैसे लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बैकग्राउंड ही मेन होता है, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आप यहाँ पे कोई भी वीडियो को एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग के बगल में बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड 1 में जाएंगे और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आप लगा लेंगे और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता मिलता है, इस पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये जो भी आपको यहाँ पे कैरेक्टर के आसपास में कुछ कुछ न्यू और कैरेक्टर ये सब का ऑप्शन मिल रहा है ये सभी कुछ आपके सामने से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये वाला है तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपका हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसे कि ये तो इतना देर कर ली, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब ये चुड़ैल है वो इतना देर कुछ कुछ कर रही है। ठीक है, अगर आप इसे चाहते हैं कि नहीं एक जगह इसे हम खड़ा करा दे तो यहाँ पे फिर से आपको आना है और यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करके आना है और यहाँ पे आइडियल पे क्लिक करना है, जहां भी आपका आइडियल लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे ये अपना सीधा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला लड़का जो है ये बोले इसको, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्लस वाले पे और इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आइडिया लिखा हुआ है वहां पंचिंग में मूव 1 में जाएंगे और यहाँ पे आप इससे कुछ बुलवा भी सकते हैं, तो बुलवाने के लिए आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको टेल होल्डिंग प्रोसेस 1 पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओए तुम्हारे जैसे जितने भी चुड़ैल है ना तो सभी चुड़ैल को मैं पॉकेट में रखता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं अगर आप इस कैरेक्टर को चाहते हैं कि जैसे कि ये वाला जो कैरेक्टर है मतलब लड़की वाली और चुड़ैल वाली, इस कैरेक्टर को आप पेड़ पे भी चढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसको क्या करना है कि जैसे कि इसको बैठाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सीट आइडियल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको सीटिंग डाउन, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जहां भी स्टैंड अप ये सब होगा वहां पे हम क्लिक करेंगे तो ये बैठ जाएगी। ठीक है, इसको डांस कराना चाहते हैं तो डांस भी करा सकते हैं, लेकिन इसे हमें बैठाना है या सुलाना है तो आप इसको बैठा भी सकते हैं सुला भी सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप जैसे इसको चाहे उसको वैसे ही करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते रहिएगा, इसको जैसे भी आप करवाना चाहते हैं वैसे आप इसको करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शन का आपको यूज करना है आप सभी ऑप्शन का अपने हिसाब से आप यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन को अगर हम बताते चले तो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी वीडियो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे बैठने की वीडियो हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप इसको बैठा भी सकते हैं, यहाँ पे इसको उठा भी सकते हैं, जैसे कि इसको हम उठा देते हैं। ठीक है, ये उठ गए। ठीक है, इसको बैठाना चाहते हैं तो बैठा भी सकते हैं, बुलवा भी सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप इसको करवा भी सकते हैं। ठीक है, इसको सुलाना चाहते हैं तो सुला भी सकते हैं, रुलाना चाहते हैं तो रुला भी सकते हैं, वो सब आप प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करिएगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो गूगल पे जाएंगे और वहां पे आप कैरेक्टर का जो भी मतलब स्टोरी है वो स्टोरी आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं स्टोरी बनाना और भी, ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी स्टोरी देखने को मिलेगी, उसके हिसाब से आप अपनी स्टोरी चेंज करके और यहाँ पे जैसे भी वीडियो बनाना चाहते हैं
वीडियो आप बना लीजिए ग्रीन स्क्रीन पे और काइन मास्टर में जाके और आप इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं क्रोमा की में जाके। आपको पता है कि कैसे काइन मास्टर यूज करते हैं, और काइन मास्टर यूज करना आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि काइन मास्टर को कैसे यूज करते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बना के आपको बता देंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।